हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे रिव्यू शो में। और आज की हमारी फिल्म है जबरिया जोड़ी, जिसे डायरेक्ट किया है प्रशांत सिंह ने, फिल्म को लिखा है संजीव झा ने और इसके एडिशनल डायलॉग स्क्रीन प्ले पर काम किया है राज शांडिल और नीरज सिंह ने। फिल्म में है परिणीति चोपड़ा, सिद्धार्थ मल्होत्रा, संजय मिश्रा, इसके अलावा चंदन राय सान्याल और बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट। इसमें एक अहम रोल में आपको नजर आएंगे जावेद जाफरी बहुत अरसे के बाद। फिल्म जो है वो एकता कपूर के बैनर तले बनी है और शैलेश सिंह इसके प्रोड्यूसर हैं, को प्रोड्यूसर हैं, तो दोनों ने मिलके इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। तो चलिए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। तो जबरिया जोड़ी को लेकर मेरी पहली राय, तो बहुत प्रॉमिस था इस फिल्म को लेके और मुझे ट्रेलर भी काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन जब ये फिल्म पर्दे पर आई तो पूरी तरह से फोर्स्ड लगा कि जैसा इसका टाइटल है जबरिया जोड़ी, वैसे ही ये ज़बरदस्ती की कहानी परोसी गई, ज़बरदस्ती के किरदारों को वहाँ का लहजा दिया गया, ज़बरदस्ती को कहीं ना कहीं इस फिल्म में थोपा गया और इसकी वजह से पूरी फिल्म लोकेशन से लेके एक्टिंग से लेके और एग्जीक्यूशन मतलब अपने अंत तक आते आते पूरी तरह से एक्सपोज हो जाती है। और यही वजह है कि आप ये सोचिए कि फिल्म का बैकड्रॉप बिहार है, पटना है, और उसके बावजूद फिल्म शूट होती है लखनऊ के रूमी दरवाजे के पास और उत्तर प्रदेश के लोकेशंस पे। हो सकता है आर्टिस्ट के कंफर्ट की वजह से इस तरह के डिसीजंस लिए गए हों, लेकिन ये काम आप बाकी जगहों पर कर सकते थे। लेकिन सबको पता है कि लखनऊ का जो रूमी दरवाज़ा है या लखनऊ के पॉपुलर लोकेशंस हैं वो बिहार से मैच नहीं करते, तो शायद विकल्प कुछ और हो सकता था, बढ़िया रेकी हुई होती तो फिल्म का फ्लेवर कम से कम ये तो कायम रखता। ना सिर्फ लोकेशन और लहजा बल्कि इस फिल्म का पूरा प्लॉट बहुत कंफ्यूज्ड है। ये बात करती है बिहार के पकड़ुआ शादी की, वो शादी जहां पर दूल्हे को उठा लिया जाता है और जबरदस्ती उसकी शादी करा दी जाती है। तो दो थ्योरी हैं इसमें। सबसे पहले फिल्म स्थापित करती है कि ये होता है बिहार में इसलिए जब कोई बहुत ज्यादा दहेज मांगता है, जबकि दूसरी थ्योरी ये है कि अगर उस इलाके में कोई लड़का बहुत बड़ी जॉब पे है, बड़ी पोस्ट पे है, आईएएस है, पीसीएस है, या बड़ा सरकारी अधिकारी है, या बहुत बड़ा इंजीनियर है, तो जो इलाके के बाहुबली होते थे उनकी निगाह उस लड़के पे होती थी और वो उसको उठवा लेते थे अपने जिनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट होता था उनको डिलीवर करने के लिए। तो एक तरह की इस तरह से दो थ्योरी हैं, लेकिन ये फिल्म अपने मैसेज जिसको शुरू में स्थापित करने की कोशिश करती है उसे ही बेहतर तरीके से नहीं रख पाती, और फिल्म में लगातार होने वाली जो घटनाएं हैं वो पूरी तरह से दर्शक का पेशेंस का इम्तहान ले लेती हैं। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है वो ये है कि जो एक्टिंग है सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा की, इनकी हो सकता है कि ठीक है ये बॉम्बे के रहने वाले हैं और वहाँ का जो टोन है वो पकड़ने में इन्हें दिक्कत हो, लेकिन मुश्किल उस टोन की नहीं है, मुश्किल है इनके हाव भाव, इनके चलने का अंदाज़, इनके कपड़े। जी हाँ, जो डायरेक्टर को कम से कम इस पूरे प्रोजेक्ट पर मेहनत करनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आती है। कॉस्ट्यूम ऐसा लगता है कि दिल्ली या बंबई में रहने वाली लड़की पटना में इस तरह के कॉस्ट्यूम पहन के घूम रही है, और उसका पूरा बैकग्राउंड जो है वो इस फिल्म के सब्जेक्ट के साथ, इसके टोन के साथ मैच नहीं करता। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ मल्होत्रा की बात करें तो उनका किरदार स्टैब्लिश ही नहीं होता, वो उस किरदार में एरोगेंस है, एक वक्त तक लगता है कि वो एरोगेंस है, ईगो है, लेकिन कुछ देर बाद उसमें वो एरोगेंस और ईगो नज़र नहीं आता, फिर वो इमोशनल हो जाता है, कुछ देर बाद फिर वो एरोगेंस लेकर आता है, तो ये जो ऑन ऑफ सिचुएशन है उस किरदार की वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट करती है। फिल्म का जो म्यूज़िक है वो अच्छा है, पॉपुलर हो चुका था फिल्म के रिलीज से पहले, लेकिन जहाँ फिल्म में ये गाने पुट किए गए हैं, जहाँ पर रखे गए हैं, वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। आप सोचिए साफ तौर पर जो पटना हिलेला गाना है उसमें शायद देसी तड़का होना चाहिए था, लेकिन देसी कम, यहाँ पर विदेशी तड़का ज़्यादा नज़र आता है, पूरी तरह से वहाँ पर मिसकास्ट नज़र आती हैं जो हीरोइन है वहाँ पर। इसके अलावा अगर इस फिल्म के साथ कोई बात जाती है तो वो जाती है संजय मिश्रा की एक्टिंग, उनके साथ को एक्टर कैरेक्टर आर्टिस्ट जो हैं उनकी एक्टिंग। ये दो एक्टर ने कहीं ना कहीं अपने आप अपने कंधे पर इस फिल्म की जो बेसिक मूड है उसे बरकरार रखा है। इसके अलावा
एक खास रोल में आपको अपार शक्ति खुराना नजर आते हैं और वो भी इंप्रेस करते हैं, लेकिन वो दो तीन फिल्मों से लगातार एक जैसी एक्टिंग कर रहे हैं तो वो कुछ ज्यादा जचता नहीं है, लेकिन फिर भी उनका काम बढ़िया है। लीड पेयर बिल्कुल मुझे समझ नहीं आए, उनका काम फर्स्ट हाफ में एंटरटेनिंग है, हाँ फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं, वन लाइनर्स कमाल के हैं, लेकिन पूरी पिक्चर वन लाइनर्स पे नहीं निकाली जा सकती। तो इस फिल्म को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया गया, ऐसा लगता है कि एकता कपूर ने अपनी फिल्मों का, अपनी सीरियल का रंग इस पर चढ़ा दिया है और डायरेक्टर और राइटर की बात नहीं मानी है। ऐसा लगता है कि पूरी पिक्चर, लगता है कि आप इस पूरी पिक्चर में एक फेक फ्लेवर नजर आएगा आपको, ये पूरी पिक्चर नकली सी लगती है और यही वजह है कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा आपके साथ वर्क नहीं कर पाती। और पूरी पिक्चर एक तो लंबी है, 2 घंटे 23-24 मिनट की ये फिल्म, और सेकंड हाफ बहुत ज़्यादा खींचा हुआ है, फिल्म पूरी तरह से अपनी पकड़ खो देती है, कुछ भी नहीं होता है। जावेद जाफरी का जिक्र किया, बहुत अजीब तरह की उनकी एक्टिंग है, वो लाउड भी हो रहे हैं और उनका थोड़ा विलेनस उनका एटीट्यूड है, लेकिन वो विलेन लगते ही नहीं है, प्रभावी नहीं छोड़ पाते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड स्क्रिप्ट रही है ये, और जिसकी वजह से ये उस तरह का कमाल नहीं कर पाई है। फिल्म से मैं बहुत निराश हूँ, फिल्म को मेरी ओर से 5 में से सिर्फ 2 स्टार्स, बाकी आप देखिए और अपनी राय बनाइए।